इस वीडियो में लोग जानेंगे कैसे YouTube चैनल्स की ईमेल आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पे, यानी कि अपने YouTube चैनल्स की ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे आपके सब्सक्राइबर वीडियोज वीडियोज सब सेम रहेंगे, बस आपको इसे फॉलो करनी है। इससे पहले आपको आपके पास चेंज करने से पहले आपके पास आपका यूट्यूब चैनल्स का ब्रांड अकाउंट होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्रांड अकाउंट कैसे बनाते हैं तो वो आप सीख लीजिए, या फिर आपका आपके पास पर्सनल अकाउंट है तो उसे भी आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसे उस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आनी है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे स्विच टू अकाउंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट अमरेश टू क्या है, ब्रांड अकाउंट है ये के हिंदुस्तानी है। तो हमने अभी ब्रांड अकाउंट पे है, और जब तक आपका ब्रांड अकाउंट नहीं होगा तब तक आप इसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पे क्लिक करने आइकन पे क्लिक करने के बाद में आपको आ जानी है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं आपके पास ब्रांड अकाउंट है या नहीं। देन आपको जानी है यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियोज में, एंड यूट्यूब स्टूडियोज में जाने के बाद में आपको कुछ साइड से आपको दिखाई देंगे एक नया डैशबोर्ड, जिस तरह सेम उस तरह दिखाई देता है पर्सनल अकाउंट में। एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको देखिए पर्सनल है ब्रांड अकाउंट का। एंड उसके बाद में आपको आनी है यहाँ पे सेटिंग्स में, एंड देन सेटिंग्स में आने के बाद में चैनल परमिशंस, एंड परमिशंस में आने के बाद में आपको यहाँ पे मैनेज परमिशंस पे आपको क्लिक करनी है। एंड इसके बाद में एक नया डैशबोर्ड दिखाई देगा आपके सामने जो कि ब्रांड अकाउंट्स का होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी का एक प्रोसेस है। अगर आप इनेबल किए हुए हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन तो यहाँ पे आपको मांगेगा, और नहीं आप इनेबल किए हुए तो यहाँ पे नहीं मांगेगा। तो मैंने यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल किया है तो यहाँ पे मांग रहा है, तो चलिए इसे हम इसे अलाउ कर देते हैं। और अलाउ करने के बाद में आपको थोड़ी सी और काम करनी है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें अदरवाइज आप इसे मिस कर देंगे। एंड देन आपको आपको फिर से मैनेज अकाउंट पे क्लिक करनी है, मैनेज परमिशंस पे। एंड देन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह जो प्राइमरी है या ऑनर है, ऑनर इसका प्राइमरी ऑनर यह। एंड देन यहाँ पे आपको जो आइकन दिखाई दे रहा होगा इन्वाइट करके, इस पर आपको क्लिक करनी है। एंड जैसे आप यहाँ पे इन्वाइट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको नया वाला ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी पे आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं टू पूरा नया वाला ईमेल आईडी पे, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, एंड उसके बाद में यहाँ पर रोल चेंज करनी है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा चूज ए रोल, चूज ए रोल में आपको ऑनर करनी है, ऑनर करनी है, मैनेजर नहीं करनी है, आपको ऑनर करनी है क्योंकि आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो ऑनर करके आपको इनवाइट कर देनी है, एंड देन आपको जिस ईमेल आईडी पर ट्रांसफ़र करनी है उस ईमेल आईडी को ओपन कर लीजिए अपने दूसरे डैशबोर्ड में, और वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्टेशन कोड, एंड यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। एंड जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट इन्विटेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। यानी कि बता रहा है कि आप उसके चैनल्स को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इस ईमेल आईडी पर एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। और जैसे आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ फिर से बैक में आनी है एंड डन कर देनी है। और जैसे आप इसे डन करते हैं देन आप नया वाला ईमेल आईडी से यूट्यूब को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देख नया वाला ईमेल आईडी से आप यूट्यूब को ओपन कर लीजिए, एंड वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नया वाला ईमेल आईडी से हमने लॉगिन किया, एंड यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, जस्ट लास्ट स्टेप है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको जैसे आप आइकन्स पे क्लिक करते हैं नया वाला तो, और उसके बाद मैनेज स्विच अकाउंट या मैनेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नया एक हिंदुस्तानी यहाँ पे आ गया, अभी अवेलेबल है यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिलेगा। एंड आपको मैं इसको क्लोज करके बता दूँ, और आपको यहाँ पे भी अवेलेबल मिलेगा, एंड इसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं मैं बताऊँगा। देखिए इसी ईमेल आई डी पे भी अवेलेबल है एंड इसी ईमेल आई डी पे है, तो हमको बैक वाली ईमेल आई डी से रिमूव करना है यानी ओल्ड वाली ईमेल आई डी से, तो उसके लिए हमको यहाँ पे आने पड़ेंगे, नया वाला में लॉग इन कर लेनी है। नया वाला में लॉग इन करने के बाद में आपको फिर से सेम प्रोसेस करनी है, क्रिएटर जाना है आपको यूट्यूब स्टूडियोज में, एंड यूट्यूब स्टूडियोज में जाने के बाद में आपको फिर परमिशंस, एंड परमिशंस में जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि परमिशंस में जाने के बाद में आपको इस परमिशंस को यहाँ से रिमूव कर देना है, एक ऑनर को यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पे ब्रांड अकाउंट है, सेम प्रोसेस आपको
तो जैसे आप नए वाले ईमेल आईडी में लॉगिन होते हैं तो नए वाले ईमेल आईडी में आपको फिर से यहाँ पे आपको मैनेज परमिशंस पे क्लिक करनी है। मैनेज परमिशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो अमलीश टू के जो है पहले ओल्ड वाले ईमेल आईडी से जो चैनल से बना हुआ वह यहाँ पे प्राइमरी ऑनर्स बता रहा है और यहाँ पे सेकेंडरी और यह सेकेंडरी बता रहा है, तो हमको इससे प्राइमरी करनी है। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे प्राइमरी ऑनर कर देंगे। और लेकिन यहाँ पे 7 डेज का टाइम लेते हैं प्राइमरी ऑनर के लिए, तो 7 दिन के बाद यह ट्रांसफर होगा, अभी नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद इसे आप प्राइमरी ऑनर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 डेज का टाइम मांग रहा है, 7 दिन के बाद आप इसे कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ से आप इसे रिमूव कर दीजिएगा ये वाले ओल्ड वाली ईमेल आईडी को। देन ओल्ड वाली ईमेल आईडी से आप इसे एक्सेस नहीं करेंगे, न्यू वाले से एक्सेस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी, इसी तरह और वीडियोज पाने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।